गवर्नमेंट फाइनली एडॉप्टेड और अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 एंड 74 इन 1993 which started the process of decentralization by establishing the institutions of like panchayati raj institutions and local municipal bodies. So is tarike se decentralization process start hua from 74 amendment act, but iska process started in the way back, just like in the last class we discussed about national development council, जिसके अंदर मेंबर्स वर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स वर द मेंबर्स. सो यहाँ से एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस रख रहे थे, बट आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू ये प्रोसेस डिसकंटिन्यू हो गया. ओनली कांग्रेस मिनिस्टर्स उसको वो मीटिंग को अटेंड करने लगे, एंड उसके बाद से जो अदर स्टेट अदर पार्टी मिनिस्टर्स थे अदर नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स थे दे स्टॉप अटेंडिंग बिकॉज दे वर कंप्लेनिंग अबाउट कि वो उनकी डिमांड्स नॉट फुलफिलिंग. सो ये इशू था. एंड फाइनली ये इमर्ज हुआ एज अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. सो बाई दिस वे एक डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी एक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग स्टार्ट हुआ. सो एक देखा जाता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग में सेंट्रलाइज काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा से इमर्ज था इंडिया में, जो कि एक प्लान्ड इकोनॉमी था जिसके अंदर सोशलिस्ट एंड कम्युनिज्म एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा था बिकॉज इट वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोल्ड वॉर. सो इंडिया ने तब अपनी एज अ इम्पेरेटिव प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस रखते थे अदर देन इंडिकेटिव प्लानिंग. दैट वॉज द इशू. बट यहाँ पे मेजर चैलेंज थे कि इकोनॉमिक प्लानिंग को एज अ ऑब्जेक्टिव यूज करना चाहिए टू अटेंड दी टू अटेंड द एंड गोल्स, राइट. कि इकोनॉमिक प्लानिंग का जो पहला चैलेंज था टू अटेंड द ऑब्जेक्टिव्स इन द टाइमली मैनर, कि जो टाइम बाउंड मैनर है, फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान है, सो 5 ईयर में जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं जो टारगेट सेट किए गए हैं वो अचीव होने चाहिए. सो ये फर्स्ट चैलेंज रहा था अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग. और सेकेंड इकोनॉमिक प्लानिंग का ये चैलेंज था कि टू यूज इकोनॉमिक प्लानिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट, कि इकोनॉमिक प्लानिंग को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा फॉर the achievement of the development process on the principles of democracy and decentralization. So yahan pe wapas decentralization pe focus kiya gaya. And then this emerged the concept when national development council and multi-level planning they actually failed to give the desired results. Wo desired results nahi de paya. But then in 1980s में इकोनॉमिस्ट ने एक डायरेक्ट लिंक सेटअप किया बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. उन्होंने ये बोला कि जो चैलेंजेस थे, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना इकोनॉमिक प्लानिंग के इन टाइमली बाउंड मैनर एंड इकोनॉमिक प्लानिंग को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करना है फॉर द अचीवमेंट और फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस बाई ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सो ये दो चैलेंजेस मेजरली फेस थे. सो वो इन्होंने तब एक कंसेंसस ये डेवलप हुआ बाय 1980s में जब डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश किया डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी में, तो बोला कि जो चैलेंजेस है वो तभी अचीव होंगे जब वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट. क्योंकि जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि पीपल पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है. डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक मीन्स क्या होगा कि एक अप्रोच होना चाहिए, टॉप टू बॉटम वाला एक अप्रोच था जो प्लानिंग कमीशन ने रखा था, कि जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल का सेक्टर है, वो जो डेवलपमेंट है वो ट्रांसफर करेगा बॉटम लेवल पे. हाउएवर ड्यू टू सेवरल बहुत सारे डेकेड्स में ये थियोरी प्रूव्ड रॉन्ग, दिस थियोरी प्रूव्ड रॉन्ग. इंडिया में बहुत सारे अचीवमेंट्स नहीं हो पाए थे. दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ चेंज, कि यहाँ पे ये अप्रोच जो टॉप डाउन अप्रोच है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है. सो दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ चेंज. और वहाँ पे एक शिफ्ट की जरूरत थी जहाँ पे बॉटम जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच की बॉटम में अगर डेवलपमेंट किया जाएगा सो वहाँ से वो फिर ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा. बिकॉज बॉटम में अगर डेवलपमेंट होगा, यानी दोज आर द मासेस जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, अगर वहाँ पे अगर डेवलपमेंट होगा तो उससे पूरे सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट इस्टेब्लिश
किया जाएगा। सो ये सारे चैलेंज